फूड सेरो। जो कि फेक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नागालैंड स्टेट के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड टाउन है नागालैंड में, यानी कि सबसे ऊंचाई पे है ये नागालैंड के 2133 मीटर है अबव फ्रॉम द सी लेवल। और ये सबसे ठंडा जगह है नागालैंड का जहां लोग रहते हैं। और यहां पे कभी कभी विंटर में ठंडे के मौसम में रातों में टेम्परेचर 0 डिग्री तक भी चला जाता है। तो हम यहाँ पर कैसे गया और क्यों गया? फिलहाल तक अभी हम इतना फ्रीली नहीं हुआ है कि आपने कुछ प्राइवेट चीज़ें भी शेयर करें। सो आप लोग मान सकते हो कि हम घूमने के लिए गया था। और आप लोग कैसे जा सकते हो यहाँ पर? तो यहाँ पहुँचने के लिए आप लोगों को पहले डिमापुर पहुँचना पड़ेगा। अब वो बाय रोड हो, बाय ट्रेन हो, व्हीकल से हो, या फिर बाय एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर से हो, नागालैंड में जाने के लिए आपको घुसने के लिए डिमापुर होके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डिमापुर स्टार्टिंग पॉइंट है नागालैंड का। वो एक मेन स्टेशन जैसा सोच लीजिए, वहीं से सब तरफ के रास्ते डिवाइड होते हैं और अलग अलग रास्ते से अलग अलग जगह जा सकते हैं नागालैंड में। तो डिमापुर से फुटसेरो 132 किलोमीटर अप्रोक्स की दूरी पर है, जहाँ पहुँचने के लिए 5 से 5.5 घंटे लगते हैं। और डिमापुर से आप लोगों को सुमो लेना पड़ेगा डायरेक्ट फुटसेरो जाने वाला, या फिर पहले कोहिमा जाइए जो कि नागालैंड का कैपिटल है, फिर वहाँ से फुटसेरो। तो हमने भी वैसे ही किया है, टैक्सी स्टैंड पर जाके सुमो टैक्सी पकड़े और हम लोग निकल पड़े फुटसेरो की ओर। और अगर आप अपनी गाड़ी खुद की लेके जाते हैं तो कोई आइडिया नहीं, सॉरी, बट या अगर आप वही सुमो के पीछे पीछे चल पड़े तो वही सेम टाइम पे आप पहुंच सकते हो। तो या वैसे मैंने डिमापुर तक का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि हम कैसे डिमापुर गया था, वो मेरे इट्स फाइम ट्यूबल चैनल में इस वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आई वाले बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे हर पहाड़ी रास्ते समर सीजन में लैंडस्लाइड के वजह से ब्लॉक होते हैं या ब्लॉक होने का डर रहता है पहाड़ी रास्तों में, तो यहाँ पर भी वही हाल है। तो बेस्ट टाइम तो विंटर में ही है यहाँ आने का, मेरे को ऐसा लगता है। और क्यों नहीं, मेजोरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है तो क्रिसमस का टाइम ही सबसे बेस्ट टाइम होगा मेरे ख्याल से। और जो सजावट लाइटिंग्स मेरे ख्याल से सब कुछ आपको 4 चांद लगा देगा। क्रिसमस में ही आने का प्लान करेंगे फिर दोबारा अगर आएंगे तो। वेट, अपन कहाँ भटक रहे हैं? ओके, सो लेट गेट बैक टू द टॉपिक। तो हम निकल पड़े फुटसेरो की ओर। और बस क्या था, रास्तों के साथ नज़ारे देखकर ओए होए, क्या ही फीलिंग था वो। सोते उठते कैसे कैसे पहाड़ों के बीच से थे रास्ते, क्या नज़ारे, बहुत सारे पहाड़ों को पार करके और बहुत सारे पहाड़ों के आजू बाजू से होकर आखिरकार अपन अप्रोक्स 5 घंटे के बाद पहुँचे फुटसेरो टाउन। और भाई वहाँ पहुँच के मैंने जब देखा घरों को, रास्तों को, मतलब
दार्जिलिंग, सिक्किम, शिलोंग एक्सेट्रा जितना देखा था फिल्मों में या वीडियोस में या जितना लोगों से सुना था ना, फुटसेरो भी एग्जैक्टली पूरा वैसा ही फीलिंग दे रहा था। सो अपन लोग पहुँचे थे दिन के 12 बजे के करीब। सो उसके बाद अपन सीधा गए वॉशअप करके, थोड़ा खान पान करके रेस्ट करें और एक ही बार शाम को निकले थोड़ा टहलने को। तो यार रहने के लिए आप लोगों को कुछ इस तरह का टूरिस्ट हाउस या फिर गेस्ट हाउसेस भी यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको बस जाना है वहाँ पे, आपको पता चल ही जाएगा। शाम का नज़ारा भी ओहो क्या ही बढ़िया था, पता नहीं पर मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे जगह में जाना, इसीलिए शायद मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर जो इसके यूज टू हैं यहाँ पर रहते हैं या फिर जो रह चुके हैं शायद उन्हें इतना वो फ़र्क ना पड़े। बढ़िया जगह काफ़ी बढ़िया था और वहाँ के लोग भी ओहो काफ़ी बढ़िया थे। कहते हैं ना कोई जगह को अच्छा बनाता है तो वहाँ के रहने वाले लोग बनाते हैं, तो वैसा ही इस जगह का भी था। यहाँ के लोग काफ़ी बढ़िया थे, जगह भी वैसा ही बढ़िया था, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा पर्सनली। तो थोड़ा घूमने के बाद फुटसेरो के बारे में जानने के बाद पहला दिन यहीं पे बीत गया और ये ब्लॉग भी।